व्यंजन छ, व्यंजन छ को हम हिंदी क्लास वर्कबुक पेज नंबर 53 पर लिखेंगे। व्यंजन छ, छ से छननी, छ से छननी। यहाँ पर व्यंजन छ फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो अब हम व्यंजन छ को प्रेस करेंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करेंगे, सेकंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन के बीच में सी कर्व करके थर्ड ब्लू लाइन को टच करके ऊपर जाएंगे, सर्कल करके स्लांट लाइन करके नीचे आएंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करेंगे और ऊपर फर्स्ट ब्लू लाइन के ऊपर शीरो रेखा करेंगे। अगेन फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करेंगे, सेकंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करके थर्ड ब्लू लाइन को टच करके ऊपर जाएंगे, सर्कल करके स्लैंट लाइन करके नीचे आएंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करेंगे और फर्स्ट ब्लू लाइन के ऊपर शीरो रेखा करेंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करेंगे, सेकंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन के बीच में सी कर्व करके थर्ड ब्लू लाइन को टच करके ऊपर जाएंगे, सर्कल करके स्लैंट लाइन करके नीचे आएंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन के से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करेंगे और ऊपर शीरो रेखा करेंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करेंगे, सेकंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करके थर्ड ब्लू लाइन को टच करके ऊपर जाएंगे, सर्कल करके स्लैंट लाइन करके नीचे आएंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करेंगे और फर्स्ट ब्लू लाइन के ऊपर शीरो रेखा करेंगे। अगेन वन मोर टाइम, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करेंगे, सेकंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करके थर्ड ब्लू लाइन को टच करके ऊपर जाएंगे, सर्कल करके स्लैंट लाइन करके नीचे आएंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करेंगे और ऊपर शीरो रेखा करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम व्यंजन छ को पूरे पेज में लिखेंगे। तो लिखना स्टार्ट करें। ये हम कितनी ब्लू लाइन्स में लिखेंगे? 3 ब्लू लाइन्स, फर्स्ट ब्लू लाइन, सेकंड ब्लू लाइन एंड थर्ड ब्लू लाइन। अब हम चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करेंगे, सेकंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करके थर्ड ब्लू लाइन को टच करके ऊपर जाएंगे, सर्कल करके स्लैंट लाइन करके नीचे आएंगे। और फर्स्ट ब्लू लाइन से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करेंगे और ऊपर शीरो रेखा बनाएंगे। फिर से फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करेंगे, सेकेंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करके थर्ड ब्लू लाइन को टच करके ऊपर जाएंगे, सर्कल करके स्लैंट लाइन करके नीचे आएंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करेंगे और ऊपर शीरो रेखा बनाएंगे। अगेन वन मोर टाइम, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करेंगे, सेकंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन के बीच में से
सी कर्व करके थर्ड ब्लू लाइन को टच करके ऊपर जाएंगे, सर्कल करके स्लैंट लाइन करके नीचे आएंगे, फर्स्ट ब्लू लाइन से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करेंगे और फर्स्ट ब्लू लाइन के ऊपर शीरो रेखा बनाएंगे, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करेंगे, सेकेंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन के बीच में सी कर्व करके थर्ड ब्लू लाइन को टच करके ऊपर जाएंगे, सर्कल करके स्लैंट लाइन करके नीचे आएंगे, फर्स्ट ब्लू लाइन के ऊपर स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करेंगे और शीरो रेखा बनाएंगे। वन मोर टाइम, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन के बीच में से सी कर्व करेंगे, सेकेंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन के बीच में सी कर्व करके थर्ड ब्लू लाइन को टच करके ऊपर जाएंगे, सर्कल करके स्लैंट लाइन करके नीचे आएंगे, फर्स्ट ब्लू लाइन से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करेंगे और ऊपर शीरो रेखा बनाएंगे। इसी तरह हम पूरे पेज में व्यंजन छ लिखेंगे। छ से छड़ी। अब हम ये एम्प्टी स्पेस में व्यंजन छ लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों ये डॉटेड छड़ी है, तो अब हम ये डॉट्स को ट्रेस करेंगे। हम धीरे धीरे ट्रेस करते करते जाएंगे। अच्छी तरह ट्रेस करना है, ओके। देखो ये ट्रेस करते करते हमारी छड़ी बन गई। अब हम छड़ी में कलरिंग करेंगे। देखो बच्चों, इस तरह हम छ से छड़ी में रंग भरेंगे।